हेलो स्टूडेंट, आपका चल रहा है 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसमें लेसन नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पिछली वीडियो जो आपकी रही थी उसमें मैंने कवर किया था, वो था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो भी क्या था आपका कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, ये डेरिवेशन आपका हो चुका है। टू चार्ज के लिए मैं बताऊँ, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ थोड़ा सा, है क्या कि आपके टू चार्ज हैं, एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज कहाँ है आपका Q2। ये आपका इन्फिनिटी पर यानी एडजस्ट है। इनको मान ली एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है आपका बी है। एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका बी। इस चार्ज को Q1 को पहले पॉइंट ए पर लाना है, तो यहाँ पर कोई क्या पहले से कोई फील्ड है नहीं है, तो किया गया वर्क डन कितना होगा आपका जीरो। वर्क डन कितना होगा जीरो। अब यह जो चार्ज है Q1 वो किस पॉइंट पर आ गया A पर। यहाँ से अब Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लाना है आपको पॉइंट B, ये Q2 को लाना है। तो बताओ इस चार्ज Q1 के कारण क्या होगा पॉइंट B पर, क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो कितना होगा KQ1/R होता है। जब चार्ज Q2 को अपन ला रहे हैं, Q2 आ जाएगा तो ये 1 है, ये 2 है, तो ये डिस्टेंस भी क्या मान लेते हैं अपन R12, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R12 हो जाएगी। फिर वर्क क्या होगा Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में, जो वर्क डन होगा, वर्क क्या होता है आपका चार्ज इंटू पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो चार्ज क्या हो जाएगा आपका Q2, पोटेंशियल कितना हो जाएगा KQ1/R12। तो यहाँ कितना हो जाएगा KQ1/Q2/R12 हो गया, नहीं होगा ठीक है। तो यहाँ से टोटल ये W2 हो गया, टोटल वर्क W1+W2 जोड़ेंगे तो यही आएगा। और ये टोटल वर्क डन है क्या कि ये सिस्टम मेड करने में, जो टू चार्ज हैं इनका सिस्टम मेड करने में जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। आज अपन जो ये वीडियो रहेगी इसमें आपका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे आगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज ठीक है। कितने चार्ज होंगे, 3 चार्ज होंगे। पहले तो ये समझे कि बेसिक करना क्या है इसमें, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेसिक जैसे 2 का किया था, ऐसे ही किसका करेंगे अपन 3 का करेंगे। 3 का क्या रहेगा कि 3 चार्जेज, एक चार्ज 1 चार्ज Q1 Q2 और 3, ये कहाँ है एडजस्ट है इन्फिनिटी पर है, क्या है इन्फिनिटी। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्या है आपका सी। फर्स्ट चार्ज Q1 कहाँ पर लाया जाएगा पॉइंट ए पर लाया जाएगा, तो यहाँ पॉइंट ए पर लाया जाएगा Q1 को। तो बताओ कोई वर्क डन होगा नहीं होगा, क्योंकि इस पॉइंट ए पर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, तो वर्क डन W1 कितना हो गया जीरो ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ अब Q1 को लिया है, अब Q1 के कारण यहाँ पॉइंट ए पर और पॉइंट सी पर क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, आया समझ में। अब चार्ज किसको लाएंगे अपन Q2 को लाएंगे, तो बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा K, इसके कारण Q1 के कारण Q1/R, ये Q2 को ला रहे हैं तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई R12, तो R12 इंटू, अब देखिए ये क्या होगा पोटेंशियल हो गया। वर्क निकालना है W2, तो वर्क क्या होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, तो क्या हो जाएगा KQ1/R12 इंटू पोटेंशियल क्या हो गया और चार्ज क्या हो गया Q2, यह आपका W2 आ गया। अब चार्ज Q3 को कहाँ लाना है पॉइंट सी पर लाना है, तो देखिए एक तो इसके कारण और एक इसके कारण, कितने विभव होंगे कितने पोटेंशियल होंगे 2 पोटेंशियल। तो यहाँ इसके कारण तो कितना होगा KQ1/R, इसके कितना होगा KQ2/R, डिस्टेंस क्या मानेंगे 1 3 और 2 3, ये टोटल पोटेंशियल होगा। चार्ज किसको लाया जा रहा है Q3 को, तो Q3 रेश क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये चार्ज Q3 को पॉइंट सी पर लाने में वर्क डन हो गया, पूरे वर्क डन को क्या कर देंगे अपन जोड़ देंगे ऐड कर देंगे, तो वो जो वर्क डन आएगा वो किस में हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखिए W=2 क्या हो गया KQ1/Q2/R12 हो गया, पहला तो जीरो है, दूसरा ये है, तीसरा क्या है KQ1/Q3/R13 + KQ2/Q3/R23। तो देखिए 1 2 2 3
और 1 है 3, कितनी कॉम्बिनेशन बने? 3। 1, 2 और 3, कितने चार्ज हैं आपके पास? 3। तो 1 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन, 1 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन और 2 का 3 के साथ कॉम्बिनेशन, कितने कॉम्बिनेशन होंगे आपके? 3 कॉम्बिनेशन होंगे। जबकि देखिए 2, 3 ले लिया ना, तो 3, 2 नहीं लेना क्योंकि, और 3, 1 भी नहीं लेना, एक कॉम्बिनेशन कितनी बार लेना है? एक बार ही लेना है। आ गया, अब समझे डेरिवेशन क्या कहता है। डेरिवेशन देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2 और ये चार्ज क्या है आपका Q3। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है आपका C। कोई दिक्कत? अब ये तीनों चार्जों को, ये कहाँ है आपके? इन्फिनिटी पर है। कहाँ है? इन्फिनिटी पर। तो इन चार्जों को लाकर पॉइंट A, B और C पर एडजस्ट करना है और एक सिस्टम मेड करना है। क्या करना है? एक सिस्टम मेड करना है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या लाएंगे? चार्ज Q1 को किस पर लाएंगे? पॉइंट A पर लाएंगे। तो ये चार्ज पॉइंट A पर Q1 लाएंगे। तो देखिए इन कैरिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट A, देन वर्क डन ठीक है W1। कितना मान लिया? W1। तो क्या होता है कि पोटेंशियल एट पॉइंट A इंटू क्या आता है आपका? चार्ज। क्या आता है? चार्ज। कोई दिक्कत? और पॉइंट A पर पोटेंशियल कितना है आपका? 0। कितना है? 0। तो बताओ यहाँ कोई अन्य अदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पोटेंशियल कितना है? W1 इज इक्वल टू 0 इंटू क्या हो जाएगा? Q1। W2 कितना हो जाएगा? 0। वो W1 क्या हो जाएगा? W1। तो इक्वेशन कितनी हो गई आपकी? ये 1। इक्वेशन कौन सी हो गई? ये चार्ज किसको लिया है अपन? 1 को। किस पॉइंट पर? पॉइंट A पर। अब किसको लाना है अपन को? चार्ज Q2 को कहाँ लाना है? पॉइंट B पर। और ये डिस्टेंस कितनी है आपकी? R12। अब बताइए पॉइंट इस चार्ज Q1 के कारण पॉइंट B पर क्या होगा? पोटेंशियल होगा। तो बताओ पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1 कितना होगा? KQ1/R12 होगा या नहीं होगा? तो देखिए इन केयरिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी कैन वर्क डन W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा आपका? चार्ज। क्या हो जाएगा? चार्ज। तो पोटेंशियल कितना है आपका? KQ1/R12 इंटू चार्ज कितना है आपका? Q2 जिसको ला रहे हैं। तो कितना हो जाएगा फाइनल बताइए? W2 बराबर KQ1/Q2/R12। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 2। ये किसको लिया है अपन? चार्ज Q2 को लिया है। नेक्स्ट किसको लाएंगे अब बताइए? चार्ज Q3 को। किसको लाएंगे? चार्ज Q3 को, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज जब Q3 को लाएंगे किस पॉइंट पर अपन लाएंगे? सी पर, पॉइंट सी पर, ठीक है। तो पॉइंट सी पर लाएंगे यहाँ, ठीक है। तो बताओ एक तो इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और एक इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो यानी टोटल पोटेंशियल एक तो V1 होगा और एक क्या होगा आपका? V2 होगा। चार्ज Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चार्ज Q2 के, और आपको पता है पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ऐड कर देंगे टोटल पोटेंशियल इनटू चार्ज, वर्क डन आ जाएगा। तो देखिए जब Q3 को यहाँ लाए तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R13 और ये कितनी हो जाएगी? R23। होगा या नहीं होगा? तो नेक्स्ट देखिए चार्ज Q3 को समझे। इन
कैरिंग चार्ज क्यू थ्री फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट सी देन वर्क डन डब्ल्यू थ्री इज इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट सी एन टू क्या आ जाएगा चार्ज, बताओ आएगा नहीं आएगा। तो पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू वन और ड्यू टू चार्ज क्यू टू, तो डब्ल्यू थ्री कितना हो जाएगा आपका पोटेंशियल एट पॉइंट सी पर कितना होगा चार्ज क्यू वन के कारण और चार्ज क्यू टू के कारण, तो बताइए कितना हो जाएगा के क्यू वन अपॉन आर वन थ्री होगा या नहीं होगा प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू थ्री और चार्ज जिसको लाया जा रहा है वो क्या है आपका क्यू थ्री। डब्ल्यू थ्री कितना हो जाएगा के क्यू वन एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार इससे मल्टीप्लाई क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री, ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई आपकी थ्री। बताओ तीनों चार्जों को इन्फिनिटी से पॉइंट पर ले आए और ये किसका निर्माण हो गया एक सिस्टम का निर्माण हो गया, किसका निर्माण हो गया एक सिस्टम का, इस सिस्टम मेड करने में वर्क डन निकाल लिया तो टोटल वर्क डन कितना होगा टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा आपका डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री हो जाएगा। डब्ल्यू वन तो कितना है आपका जीरो, तो टोटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा जीरो प्लस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री प्लस के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन आर वन थ्री, जीरो जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं हुआ, तो ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क डन आ गया। देखिए वन टू टू थ्री और थ्री वन, ठीक है, तो यानी कोई भी कॉम्बिनेशन डबल बार नहीं आएगा, वन टू आ गया तो टू वन नहीं आएगा, आ गया समझ में। नेक्स्ट समझे, ये जो वर्क डन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो W किसके इक्वल हो जाएगा U के, U बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन 23 प्लस K 3 Q1 अपॉन R1 है 3। तो ये क्या हो गई आपकी कि जो थ्री चार्जेज है, क्या है आपके थ्री चार्जेज, उनकी क्या हो गई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। फिर से सुन लीजिए, करना क्या है एक थ्री चार्जेज का क्या करना है सिस्टम मेड करना है, उस सिस्टम मेड करने पर चार्ज को इन्फिनिटी से लाना पड़ेगा, इन्फिनिटी से लाएंगे तो वर्क डन होगा, वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा। पहले चार्ज को लाएंगे कोई वर्क डन नहीं होगा जीरो, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है। दूसरे चार्ज को लाएंगे Q2 को तो Q1 के कारण जो क्या होगा पोटेंशियल होगा इनटू क्या कर देंगे चार्ज, तो वर्क डन आ जाएगा। तीसरे चार्ज को लाएंगे तो चार्ज Q1 के कारण भी पोटेंशियल होगा और चार्ज Q2 के कारण भी पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल निकाल के उसको चार्ज से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा वर्क डन आ जाएगा। तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे टोटल वर्क डन आ जाएगा, ये टोटल वर्क डन ही क्या हो कहलाएगा आपका क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हुई थ्री की, ऐसे ही अपन फोर की भी कर सकते हैं। फोर की करेंगे तो Q1 को लाएंगे तो जीरो का जीरो वर्क होगा, Q2 को लाएंगे तो Q1 के कारण पोटेंशियल इनटू चार्ज, Q3 को लाएंगे तो दो के कारण और Q4 को लाएंगे तो कितने के कारण तीन के कारण। ठीक है, तो अब मैं देखिए पूरा तो बताऊंगा नहीं, कॉम्बिनेशन बना के देखिए वन थ्री का कॉम्बिनेशन क्या बना, वन टू थ्री था आपका, तो वन का टू के साथ टू का थ्री के साथ और वन का थ्री के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन डबल बार नहीं आया, क्या थ्री वन वन थ्री आ गया तो क्या थ्री वन आया है नहीं आया। तो देखिए अब अपन चार का क्या बना के कॉम्बिनेशन बना के मैं आपको बता देता हूँ, फिर एन का बना के बता दूंगा, एन का तो जनरल फॉर्मूला समेशन के रूप में बता देंगे। देखिए समझे, चार का चार का समझेंगे तो वन टू की वो डिस्टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर वन है और टू है तो कितना मानेंगे वन टू। देखिए ये आपका यहाँ देखिए फोर चार्जेज कर लीजिए, कितना कर लीजिए फोर, ये आपके फोर चार्जेज ये हैं आपके, मान ये कि ये पॉइंट ए है पॉइंट बी है ये पॉइंट क्या है आपका सी और ये पॉइंट क्या है डी, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर और क्यू थ्री, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आर वन टू टू फोर थ्री फोर और वन थ्री, ये कितनी हो गई आपकी आर वन फोर और ये कितनी हो गई आपकी बताइए टू और किसके बीच में थ्री के, तो
आर टू थ्री हो जाएगी। कॉम्बिनेशन देखिए, एक दो तीन और चार है, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे अपन देखिए, वन टू, वन का टू के साथ, वन का थ्री के साथ और वन का फोर के साथ, तो यानी वन टू, वन थ्री और वन फोर बन गया। फिर टू का थ्री के साथ, टू थ्री, ठीक है, टू का फोर के साथ तो कितना हो गया, टू फोर। अब कौन सा बच गया, एक थ्री का फोर के साथ, तो बताओ क्या फोर थ्री लेंगे, नहीं लेंगे। एक कॉम्बिनेशन कितनी बार लेना है, केवल एक बार, ऐसे नहीं लेंगे वन टू ले लिया टू वन दोबारा से ले ले, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए लिखेंगे कैसे, कितने कॉम्बिनेशन बने टोटल, छः। देखिए एक का टू के साथ, वन का थ्री के साथ, वन का फोर के साथ, टू का थ्री के साथ, टू का फोर के साथ, थ्री का फोर के साथ, ठीक है। पूरे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने, छः। तो देखिए लिखना, देखिए यू बराबर के तो आता ही है सब में, क्या है वन टू, क्या है वन टू, तो कितना हो जाएगा क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू, लिख दिया पहला प्लस, दूसरा लिखिए ये क्या लिख दिया, वन टू, ये कितना आएगा टू वन का टू वन के और थ्री के साथ कितना आएगा वन थ्री, ठीक है। तो ये कितना होगा के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन कितना आएगा आर वन थ्री प्लस के क्यू वन क्यू फोर अपॉन आर वन फोर प्लस के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन आर टू थ्री, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा के क्यू टू क्यू फोर अपॉन आर टू फोर प्लस के क्यू थ्री क्यू फोर अपॉन आर थ्री फोर। ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। देखिए पहले जब क्यू वन को लाएंगे तो डब्ल्यू वन तो कितना हो गया जीरो, डब्ल्यू टू क्या होगा क्यू टू को लाएंगे तो इसके कारण विभव, तो क्यू वन क्यू टू आएगा, तो क्यू वन है क्यू टू आ गया, आ गया। क्यू थ्री को लाएंगे तो जो पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा, एक तो क्यू वन के कारण और एक क्यू टू के कारण, तो देखिए क्यू टू क्यू थ्री क्यू टू क्यू थ्री आ गया और टू थ्री आ गया, ठीक सही है। और नेक्स्ट क्यू फोर को लाएंगे तो वन वन के कारण, टू के कारण और थ्री के कारण, तो वन फोर टू फोर और थ्री फोर, तो ये लिख दे टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने, छः। तो ये क्या हो गया आपकी फोर चार्जेस की क्या हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अगर हमारे एन का फॉर्म और देख लीजिए कि एम के में थोड़ा समझने लायक बात है, देखिए क्या है एन चार्जेज हो, कितने चार्जेज हो, एन चार्जेज प्रेजेंट हो, ठीक है। तो देखिए यू इज इक्वल टू, तो या तो आप देखिए यहाँ आई इसको माने और जे इसको माने, तो कितनी बार आई और जे दो आ रहा है, तो या तो समेसन आप एक बार लगाएं या समेसन कितनी बार लगाएं, दो बार। तो देखिए समेसन समेसन आई इज इक्वल टू वन से लेकर एन, J इज इक्वल टू वन से लेकर n, ठीक है। यहाँ K Q I Q J अपॉन R I J, ठीक है। I नॉट इज इक्वल टू J, I J के बराबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये वन वन नहीं हो सकता, टू टू नहीं हो सकता, ठीक है, अलग अलग ही होंगे। यहाँ एक बटे दो लगा रखा, इसको मैं समझा रहा हूँ ये क्यों लगा रखा, ठीक है। और एक इस फॉर्म में लिख सकते हो समेसन समेसन I इज इक्वल टू वन एन, जे इज इक्वल टू वन एन से एन, के क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, यहाँ दो नहीं है लेकिन ये लिख रखा है कि आई लेस देन जे, आई लेस देन जे। अगर ये कंडीशन लिखते हो तो एक बटे दो मत लगाना, अगर ये लिखते हो तो एक बटे दो लगाना, कैसे आई और जे बराबर नहीं होंगे, बाकी सब कुछ हो सकते हैं। मान लीजिए आई इज इक्वल टू वन हो जाए और जे इज इक्वल टू कितना हो जाए, टू हो जाए, और जे इज इक्वल टू मान लीजिए वन हो जाए, वो आई इज इक्वल टू कितना हो जाए, टू हो जाए, और जे इज इक्वल टू कितना हो जाए, वन हो जाए, हो सकता है। तो देखिए यहाँ कितना बनेगा, क्यू वन और क्यू टू बनेगा, इस कंडीशन से बनेगा नहीं बनेगा, क्यू आई और क्यू जे बनेगा, और इस कंडीशन से क्या बनेगा, क्यू टू क्यू वन बनेगा। तो बताइए है तो एक ही तो बात है, वन टू और टू वन, तो इस कंडीशन, ये कंडीशन अगर ये लिया है आपने, तो ये कंडीशन है जो आई और जे का मान है, तो एक यूम कितनी बार बन रहा है आपका, दो बार, कितनी बार बन रहा है, दो। देखिए ये कंडीशन से ये और इस कंडीशन से ये, जबकि युग्म कितनी बार आना चाहिए, एक बार, दो में से एक बार, तो उसको आधा करने के लिए युग्म को कितना लगाया है, एक बटे दो लगाया है, कितना लगाया है, एक बटे दो। तो इस कंडीशन पर एक ही युग्म कितनी बार बन जाता है, दो बार बन जाता है, उसको आधा करने के लिए कितना लगाते हैं, एक बटे दो। अगर इस कंडीशन दी है कि आई का मान हमेशा जे से छोटा ही होगा, तो देखिए एक बटे दो नहीं लगाते, कैसे, तो देखिए आई का मान जे से छोटा है
सही है, ठीक है। आई का मान जे से क्या हो गया, बड़ा, तो ये कंडीशन तो कट ही गई ना, आई लेस देन जे होगा तो ये कंडीशन ऑटोमेटिकली कट गई ये लिखते ही, ठीक है। तो ये लिख के तो एक युग्म कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार। यहाँ कितनी बार आ रहा था, दो बार, उसको आधा करने के लिए 1/2 लगाया। यहाँ अगर ये कंडीशन लिख दी तो आई का मान हमेशा जैसे क्या होगा, कम होगा, तो एक युग्म कितनी बार नहीं, एक पेयर कितनी बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, इसलिए 1/2 काउंट नहीं किया। ये आपकी एन चार्जेज की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या तो इस रूप में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।